आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा गोरखनाथ को परंपरागत तरीके से चढ़ाई आस्था की खिचड़ी। प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की दी शुभकामनाएं। गोरखनाथ मंदिर में बाबा गोरखनाथ के दरबार में गुरुवार को तड़के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति पर्व की शुरुआत विधि विधान के साथ परंपरागत तरीके से खिचड़ी चढ़ाकर की। सबसे पहले उन्होंने नाथ संप्रदाय की ओर से आस्था की खिचड़ी चढ़ाई और फिर नेपाल राज परिवार की खिचड़ी बाबा गोरखनाथ के चरणों में समर्पित की। गोरक्ष पीठाधीश्वर की पूजा अर्चना के बाद मंदिर के कपाट दूर दराज से आए आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। गोरखनाथ मंदिर के कपाट जैसे ही खुले तो पूरा मंदिर परिक्षेत्र गुरु गोरखनाथ और हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा। भक्त बारी बारी से बाबा गोरखनाथ को आस्था की खिचड़ी चढ़ा रहे थे। गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के बाद गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मकर संक्रांति सूर्य उपासना का महापर्व है। देश में अलग अलग रूपों में ये पर्व मनाया जाता है। गोरखपुर में गोरखनाथ को आस्था की खिचड़ी चढ़ाई जाती है। लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर अपनी आस्था निवेदित कर रहे हैं। आज खिचड़ी चढ़ाकर हजारों वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन हुआ है। पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति का यह पर्व जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व है और स्वाभाविक रूप से इस चराचर जगत की प्रत्येक घटना भगवान सूर्य से जुड़ी हुई है। देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम और रूपों में पर्व मनाया जाता है। उत्तर भारत में खिचड़ी संक्रांति के रूप में, दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में, पंजाब आदि में लोहड़ी के रूप में, असम आदि में बिहू के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं। बंगाल में, महाराष्ट्र में तिलवा संक्रांति के रूप में भी इसकी मान्यता है और इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन पवित्र नदियों में, तालाबों में, सरोवरों में स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके भारत की सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार दान आदि की क्रियाओं को संपन्न भी करता है। गोरखपुर में महायोगी भगवान गोरखनाथ जी को देश के अंदर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के द्वारा आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई जाती है और इसी निमित्त आज मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के अपनी इस परंपरागत आस्था को व्यक्त करने का कार्य यहाँ पे संपन्न कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि ब्रह्म मुहूर्त में अभी 4 बजे मंदिर में पूजा आदि के कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भगवान गोरखनाथ जी को पवित्र आस्था की खिचड़ी चढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। हजारों वर्षों की परंपरा है, इस परंपरा का निर्वहन आज यहाँ पे किया जा रहा है। इस अवसर पे संगम तट पर प्रयागराज में और जहां भी पवित्र नदी सरोवर हैं उन सभी जगहों पर बड़ी मात्रा में श्रद्धालुजन स्नान आदि करके इस पूरे आयोजन में शामिल होते हैं। मकर संक्रांति
के अवसर पर यहाँ पर श्रद्धालुजनों के लिए पूरी सुविधा और व्यवस्थाएं यहाँ पर पहले से ही तय की गई हैं। उसमें मंदिर प्रशासन की ओर से भी, जिला प्रशासन की ओर से भी पूरी व्यवस्था है, जिससे किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने का है। और मकर संक्रांति का यह पर्व हम आनंददायक रूप से मना सकें। ये जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व तो है ही, ये बहुत सारे स्थानों पर किसानों की उमंग और उत्साह का पर्व भी के रूप में भी इसे मनाया जाता है। स्वाभाविक रूप से खिचड़ी का दान इस अवसर पर चढ़ाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारा जो अन्नदाता किसान है, वह जब अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से खेतों से अन्न उत्पन्न करता है तो त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये के भाव के साथ अपने इष्ट को भी उसका दान स्वरूप देता है। गोरखपुर से अमित साहनी की रिपोर्ट।